इस वेले दी वड्डी खबर खन्ना तो आ रही है जिथे खन्ना पुलिस दे हाथ वड्डी कामयाबी लगी है। खन्ना पुलिस ने गैंगस्टरां दे नाल संबंध रखने वाले एक होर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने व्यक्ति नूं नजायज हथियारां सने काबू किया। नौजवान दे कोलों 32 बोर का पिस्तल, 12 बोर की पंप एक्शन राइफल, 14 रौंद बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि यादवपिंदरी के विरोधी धड़े के संपर्क के नौजवान सी। जानकारी निकल के सामने आई है, वड्डी कामयाबी कह सकते हैं इस वक्त खन्ना पुलिस के हाथ लगी है। नजायज हथियारों के सने व्यक्ति जो है वह काबू होया। 32 बोर का पिस्तल, 12 बोर की पंप एक्शन राइफल जो है व्यक्ति को बरामद हुई है। तो वड्डी जानकारी होर भी निकल के सामने आ सकती है, वड्डे खुलासे होर भी इस खबर के हो सकते हैं। दस दिए कि यादवपिंदरी के विरोधी धड़े के संपर्क के नौजवान से। इस खबर से वधेरी जानकारी के लिए साडे पत्रकार धर्मिंदर सिंह साडे नाल जुड़ चुके हैं। जी धर्मिंदर, की कुछ जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, खन्ना पुलिस ने कुछ दिन पहला एक अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, जिस तो बाद एक होर गैंगस्टर सुखप्रीत बुड्ढा के साथियों नूं गिरफ्तार किया गया। हुण एक गैंगस्टरां नूं शेल्टर देने वाले साथियों का एक होर ग्रुप उसके हत्थे चढ़िया, जिसके साथी जादविंदर सिंह जादू नूं गिरफ्तार किया गया। कढ़ाणी खुरद तो यह गिरफ्तारी हुई है। तो इस नौजवान के कोलों खन्ना पुलिस ने एक 32 बोर का पिस्टल से 12 बोर की गन बरामद हुई है। उसके नाल ही 14 कारतूस भी बरामद हुए ने, जिस तो बाद गल सामने आई है कि जादविंदर सिंह जादू के कुछ दिन पहला फड़े गए आप आगू दीपक गोयल से सरपंच पिंदरी के नाल दुश्मनी चली आ रही थी। तो यह अलग अलग गैंगस्टर जेड़े सहयोग देंदे सी, एक खन्ना के गैंगवादी भी तैयारी थी। तो खन्ना पुलिस ने हथियारों बरामद करके इस गैंगवार भी रोकया। दूजे पास गल करिए जांच की, तो जांच के दौरान कई होर भी नाम सामने आए हैं, जिस तो बाद खुलासा होया कि जिहड़ा जादविंदर सिंह जादू है तरन तारण के किसी व्यक्ति के संपर्क आया सी। तो जेल के बैठे उस व्यक्ति ने यह दिलासा दिता कि जो जेल तो बाहर जाऊगा तो उसनों हथियार दिते जाणगे। एक जाली लाइसेंस भी बरामद होया जो गन का बनाया होया सी। तां किते ना किते एक बार फिर मुड़ तो गल सामने आई है कि जेल चो बैठ के नैटवर्क चलता से गैंगस्टरां नूं जिहड़े ग्रोह ने वह सहयोग दे रहे हैं। जी जी, ये भी कह सकते हैं कि सहयोग इन्ह गैंगस्टरों पूर्ण तरीके मिलता है, हथियार इन्ह तक सप्लाई होंगे ने। तो वे सवाल भी खड़े होंगे ने कि आखिर तक शेल्टर देना, हथियार जो है वह मिलना, कितना कितने प्रशासन की नक् हेठ गैंगस्टर अपने गिरोह चला रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह हम बड़े गैंगस्टर ने जेलों च बंद ने, तो जेल चो बैठ के नैटवर्क चला रहे हैं। तो जेड़े बाहर उन्होंने साथी ने उन्होंने हथियार मुहैया कराने के लिए अलग अलग बंद ग्रोह बनाए हुए हैं जेड़े इन्हों हथियार मुहैया करवाते हैं। पुलिस ने एक यह भी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया कि बॉर्डर राही जे इंपोर्टेंट हथियार ने वो मंगवाए जाते हैं, वो हथियारों तक जे गैंगस्टर तक जाते हैं। तो उस तो बाद हथियार टारगेट किलिंग च यूज करके देश का माहौल खराब करने की साजिशां रचियां जांदियां ने। तो आने वाले दिनों के होर भी बड़े खुलासे होणगे ते कई होर भी साथी फड़े जाणगे जो गैंगस्टरों का साथ दे रहे हैं। जी जी, जानकारी दे लई बहुत बहुत धन्यवाद। दस दिए कि नौजवान जो है पुलिस के हत्थे लग चुका है, जिसके कोलों हथियार, नजायज हथियार बरामद हुए ने। 32 बोर की पिस्तल, 12 बोर की पंप राइफल अजय हथियार बरामद हुए ने। पुलिस बनती कार्रवाई कर रही है।